स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि आमंड यानी बादाम किडनी के लिए कैसा होता है। एक हेल्दी पर्सन बादाम का सेवन कर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किडनी पेशेंट बादाम का सेवन ना करें। आपको बताते हैं कि किडनी के लिए बादाम कैसे लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट, बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने से किडनी पर प्रेशर नहीं पड़ता और किडनी प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड, आमंड डाइजेशन में हेल्प करता है जिससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और किडनी पर पड़ने वाला प्रेशर कम पड़ता है और किडनी हेल्दी रहती है। थर्ड, अगर किसी कारण इरिटेशनल यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है तो भीगे हुए बादाम को छीलकर खाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ये किडनी की समस्या का एक लक्षण भी हो सकता है। फोर्थ, शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए बादाम के साथ जावित्री, केसर, इलायची, चीनी और लौंग को पीसकर घी और खोए में रोस्ट कर खाएं, जिससे कमजोरी दूर होगी। लास्टली, किडनी पेशेंट्स अक्सर कमर दर्द से परेशान रहते हैं, तो बादाम का सेवन रोजाना करने से कमर दर्द की समस्या कम होती है। अब आपको बादाम से जुड़े कुछ फायदे बताएंगे। पहला है, बादाम का सेवन करने से याददाश्त बढ़ती है क्योंकि बादाम में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सेकेंड, सिर में दर्द रहना भी कई बीमारियों का लक्षण होता है, इसलिए जब भी सिर में दर्द हो बादाम के गिरी को पीसकर उसमें सरसों का तेल मिलाकर सिर पे मालिश करें। तो ये थी कुछ बादाम से जुड़े फायदे। अब आपको बताते हैं कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। फर्स्ट, रात में बादाम को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह भीगे हुए बादाम को छीलकर सेवन कीजिए, जिससे सभी तरह के बादाम के प्रोटीन शरीर में जा सके। सेकंड, एक दिन में 8 से 10 बादाम का ही सेवन करें, जिससे पेट में गर्मी नहीं होगी और गैस प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। लास्टली, अंकुरित बादाम का सेवन करने से ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। बादाम अंकुरित करने के लिए बादाम को 2 या 3 दिन तक पानी में भिगोकर रख दें, जिससे वो अंकुरित हो जाएं। ये अंकुरित बादाम शरीर को पोषक तत्व देते हैं। जैसा कि सभी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना नुकसान पहुंचाता है, वैसे ही बादाम का ज़्यादा सेवन करने से एक्रिलेट क्रिस्टलाइजेशन का कारण बन सकते हैं। बादाम में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सलेट होता है, इसीलिए किडनी की बीमारी और गॉल ब्लैडर की बीमारी वाले पेशेंट्स को बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ बादाम से जुड़ी किडनी के लिए ज़रूरी जानकारी। अगर आप इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।